चलिए डियर स्टूडेंट, आज आप लोग के लिए कुछ खास होने वाला है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का। जो भी प्रश्न पूछा गया है उसको चर्चा करते हैं ना। आज टेस्ट फोर था, उसमें दिया था कि प्रूव दैट टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। सॉल्यूशन, लेट कॉट इनवर्स एक्स बराबर थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो रहा, एक्स हो रहा। क्लियर? अब कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है टैन पाई वाई टू माइनस एक्स बराबर टैन पाई वाई टू माइनस थीटा बराबर एक्स। अब बताइए एक्स है आर एच एस में, वो एल एच एस में आविरा तो इनवर्स हो रहा। तो टैन इनवर्स एक्स बराबर पाई वाई टू माइनस थीटा। तो टैन इनवर्स एक्स ये माइनस थीटा आर एच एस में, तो वो एल एच एस में आ जाए प्लस थीटा बराबर पाई वाई टू। टैन इनवर्स एक्स प्लस थीटा का वैल्यू क्या, कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई वाई टू। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर इतना ही लाना था। अरे बैठे ना, चलिए तो सिद्ध हो गया। आज ये क्वेश्चन हो रहा, ये सब दो नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज ये क्वेश्चन था इंटीग्रेशन, ओवन बटा ओवन माइनस साइन एक्स इन टू डी एक्स। ये सब क्वेश्चन दो नंबर में पूछा जा रहा और पूछा हुआ। तो सॉल्यूशन जो दिया हुआ रहता है उसको मान लेते हैं। लेट आई बराबर इंटीग्रेशन ओवन बटा ओवन माइनस साइन एक्स इन टू डी एक्स। तो आई बराबर इंटीग्रेशन ओवन बटा ओवन माइनस साइन एक्स गुना। देखिए नीचे ओवन माइनस साइन एक्स, तो इसने लाइक से मल्टीप्लाई करिए ना, माइनस है तो प्लस। तो ओवन प्लस साइन एक्स बटा ओवन माइनस प्लस साइन एक्स इन टू डी एक्स। तो आई बराबर इंटीग्रेशन ओवन में इतना से मल्टीप्लाई, तो ओवन प्लस साइन एक्स बटा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ओवन माइनस साइन स्क्वायर एक्स इन टू डी एक्स। तो आई बराबर इंटीग्रेशन ओवन प्लस साइन एक्स बटा ओवन माइनस साइन स्क्वायर मिला के क्रॉस स्क्वायर एक्स इन टू डी एक्स। अब यहां से बताइएगा कि ये क्रॉस स्क्वायर किसके बटा में, ओवन के बटा में कि साइन के बटा में कि दोनों के बटा में, दोनों के बटा में। तो I बराबर इंटीग्रेशन ओवन बटा क्रॉस स्क्वायर एक्स इन टू डी एक्स। क्लियर? प्लस इंटीग्रेशन ओवन बटा क्रॉस एक्स इन टू साइन एक्स बटा क्रॉस एक्स इन टू डी एक्स। देखिए तो ओवन में साइन से मल्टीप्लाई तो साइन, क्रॉस में क्रॉस से मल्टीप्लाई तो क्रॉस स्क्वायर। तो आई बराबर
ओवन वाई क्रॉस स्क्वायर एक्स इन टू डी एक्स प्लस ओवन वाई क्रॉस मिला के सेट और साइन वाई क्रॉस मिला के टेन एक्स। अब बताइए ना, तो आई बराबर इंटीग्रेशन ओवन वाई क्रॉस मिला के सेट स्क्वायर एक्स इन टू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सेजेट्स इंटू टेन एक्स सेजेट्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। तो सेट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या टेन एक्स प्लस सेजेट्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या सेजेट्स और प्लस सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर इतना सही था। जल्दी करेगा बता रहे ना जी। जो मैं नहीं सटना छे मोबाइल गिर जा रन तोरे बैठ जा सुन भैया। हां 12000 sin माइनस 1 sin x माइनस 1 हां बन के बन कर ना मेरे sin माइनस 1 रखना रसने भाई वो ऐसे ही बनता डॉटर वाही काम वन के जो आप बोल रहे सर। हां भैया रसने भाई ऊपर में सर। अरे हाँ जी ऊपर में वन माइनस साइन एक्स तो लाइज होगा। हाँ होगा होगा पहली बार ही सर हम बताए उस टाइम। अब देखिए रहा इंटीग्रेशन आगे क्वेश्चन था बाय बराबर रूट अंडर log x प्लस रूट अंडर log x प्लस रूट अंडर log x प्लस डॉटर टू इनफिनिट। क्लियर? तो सॉल्यूशन y बराबर पहला फंक्शन log x लिख लेना। अब देखो बार बार एक ही फंक्शन रिपीट हो रहा पूरा फंक्शन पर क्या बाय। अब इन्हें रूट है ने बिना रूट है तो ऐसे करिए एस बी एस कर दीजिए दोनों तरफ वज करने पर करने तो यहां से बाई स्क्वायर बराबर रूट अंडर लॉग एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर स्क्वायर से रूट टेन से तो बाई स्क्वायर बराबर लॉग एक्स प्लस बाई। अब जो फंक्शन दिया है उसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड तो बाई स्क्वायर का डीसी टू बाई और बाई का डीसी डी बाई बटा डी एक्स लॉग एक्स का डी सी ओवन बटा एक्स और वाई का डी सी डी वाई बटा डी एक्स। अब बताइए टू वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स और डी वाई बटा डी सी प्लस ही बटी आते माइनस बराबर ओवन बटा एक्स तो डी वाई बटा डी एक्स कॉमन हो रहा क्या बच रहा टू वाई माइनस ओवन बराबर ओवन बटा एक्स तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर ओवन बटा एक्स इन टू टू वाई माइनस ओवन और इस क्वेश्चन का राइट आंसर इतना। आ रहा समझ में? सही है तो टेस्ट वन पास था से फुल अच्छे नंबर लगाएंगे।
चलिए चलो आज क्वेश्चन है y बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर जोर ए एक्स प्लस ओ वन अच्छा इसको बोला फाइंड डी वाई बटा डी एक्स सॉल्यूशन y बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर जोर ए एक्स प्लस ओ वन अब ध्यान दीजिएगा जो फंक्शन दिया उसको डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड तो यहाँ से y का डेस dy बटा डेस समझना वाला बात रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की जो इसके अंदर में है रूट के अंदर उसको हम पढ़ेंगे एक्स तो क्या कहलाएगा रूट एक्स कहलाएगा रूट एक्स का डीसी क्या होगा नब आई टू रूट एक्स होगा और एक्स के रूप में क्या आएगा निचले वाले वन वाई टू रूट एक्स तो एक्स के रूप में यह एक्स स्क्वायर जो एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर का डीसी टू एक्स और ए इंटू एक्स का डीसी वन और वन का डीसी तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर मिला के टू एक्स प्लस ए बटा टू अंडर इतना और इस क्वेश्चन का राइट आंसर इतना क्लियर आगे आगे प्रश्न था कि यदि किसी सरल रेखा के दीर्घ अनुपात माइनस 18 12 माइनस 4 तो क्या निकालना है दीर्घ डायरेक्शन प्रोसेस सॉल्यूशन पर जाना है सबसे पहले छुटे है दीट अनुपात मतलब डायरेक्शन रेशियोज कितना माइनस 18 12 और माइनस 4 और डायरेक्शन रेशियो को ए बी सी के द्वारा सूचित किया जाता है अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या परिणाम क्या होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए का वैल्यू माइनस 18 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर मिला के 18 का स्क्वायर 324 बराबर है 44 प्लस 416 मिला के 484 का वर्गमूल कितना 22 यूनिट क्लियर बोला डायरेक्शन प्रोसाइन दीर्घ प्रज्याय क्या होता है डायरेक्शन प्रोसाइन क्या होता है जी ए बटा रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो ए का वैल्यू है माइनस 18 बटा 22 मिला माइनस 9 बटा 11
इन बी बटा इतना ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इसका वैल्यू है 12 बटा 22 मिला के 6 बटा 11 सी का वैल्यू इतना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी का वैल्यू -4 बटा 22 मिला के -2 बटा 11 और इस क्वेश्चन का इतना राइट आंसर हो गया। क्लियर? चलिए आगे था अगले प्रश्न था y बराबर साइन रूट अंडर क्रॉस बना फाइंड डी वाई बटा के सॉल्यूशन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड और वाई का डी सी डी वाई बटा डी एस ये रूट वाले टर्म क्या हो रहा है एक्स के रूप में तो साइन का डी सी क्रॉस रूट अंडर इतना रूट का डी सी वन वाई टू रूट एक्स मतलब क्रॉस एक्स और क्रॉस का डी सी माइनस साइन एक्स तो आपका फाइनल आंसर आने वाला है बाबू माइनस साइन एक्स इन तो क्रॉस रूट अंडर क्रॉस एक्स बटा टू अंडर रूट क्रॉस एक्स और इस क्वेश्चन का राइट आंसर इतना क्लियर? आगे क्वेश्चन था क्वेश्चन क्या था टेस्ट में सॉल्यूशन कर रहे हैं विद्यार्थी जी फोर रहने देते हैं कॉट पर टेन में तो टेन इनवर्स हो गए ना भाई प्रोसेट पर चेंज कर दो टेन में तो ए बी सी ध्यान देना साइन थीटा रहा होता लंब बटा टर्न लंब बटा तो कॉसेट थीटा रहा क्या टर्न बटा लंब तो टर्न रूट पांच लंब ओपन बेस निकालना तो टर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर तो रूट पांच का स्क्वायर माइनस ओवन का स्क्वायर स्क्वायर से रूट कैंसिल पांच माइनस वन मिला के चार तो रूट एक नंबर टाइन थीटा लंब बटा धार होता तो टाइन इनवर्स क्या हो 1 बाय 2 हो जाएगा बोला अब बताओ x का वैल्यू क्या हो 1 बाय 3 और y का वैल्यू 1 बाय 2 4 से पाई वो तो लाना है ना ये पाई 4 इधर है तो उसकी लेके जाएगा पाई बाय 4 आएगा पाई बाय 4 आएगा ना पाई इधर ये वाला पाई ये तो सिद्ध कर लाना ना है जी ये फोर है जी सर हाँ ये फोर है जो वो रहने दो उससे पर मतलब में एक फॉर्मूला टाइन इनवर्स एक्स प्लस टाइन इनवर्स वाई बराबर टाइन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा वन माइनस एक्स इंटो वाई तो फोर रहने दिए तो टाइन इनवर्स एक्स प्लस वाई तो एक्स्ट्रा वैल्यू बताइए ना एक्स्ट्रा वैल्यू वन वाई थ्री और वाई का वैल्यू वन वाई टू और वन माइनस वन वाई थ्री वन वाई तो फोर इन टू टेन इन अवर्स दो और तीन कैल्सियम क्या छ छ में तीन से बात दो तो दो प्लस द्वितीय छ तीन और यहाँ वन माइनस वन बटा छ तो यहाँ फोर इन टू टेन इन अवर्स ऊपर तीन दो कितना पांच बटा छ छ माइनस वन बटा छ छ से छ डेंसिटी तो फोर इन टू टेन इन अवर्स पांच बटा पांच एक मतलब है
फोर इन टू टेन इन अवर्स ओवन चार इन टू टेन इन अवर्स वन टेन में कितना 45 बटा फोर चार से चार पेंसिल मिला के पाई आर एच एस क्या क्या बीच में बस समझ गया चलिए डालने वाला चीज ना मैच उतारने वाला चीज है जी समझने वाला जल्दी उतारो क्वेश्चन था वाई बराबर एक्स के पावर एक्स प्लस एक्स के पावर वन बटा फाइन डी वाई बटा क्लियर जब दो फंक्शन दिया हुआ रहे और बीच में प्लस का साइन रहे तो समझ लेना कि यू प्लस बी का फॉर्मेट है दोनों टर्म को मान लेना तो यो बराबर क्या हो गया एक्स के पावर एक्स और भी बराबर एक्स के पावर ओवन बताए अब इसका डी से जाओ तो वाई का डी से डी वाई बटा डिस और यो का डी से डी यू बटा डिस और भी का डी से डी वी बटा डी एस और इसमें भाईलो रख दीजिए ना दोनों का आंसर प्राप्त तो हम U बराबर लेके चल रहे हैं U बराबर x के पावर x क्लियर बोले थे यदि आधार में x का टर्म पावर में x या y का टर्म हो तो वैसे प्रश्न में DC तो होते समय log का उपयोग किया जाता taking log both side लॉग यू बराबर एक्स के पावर एक्स बोलो ना जी लॉग एक्स के पावर एक्स तो लॉग यू बराबर ये माथा पर वाला उत्तर जरा लॉग अब यहां से जो फंक्शन आया इसको डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड लॉग यू का डीसी होता वो वन बटा यू और यू का डीसी डी यू बटा डी यहाँ एक्स इंटू लॉग यू इंटू वी से पहला फंक्शन छोड़ो दूसरा का डीसी प्लस दूसरा लिखो पहला का डीसी और एक्स एक्स टेन सी तो डी यू बटा डी एक्स बराबर यू इंटू वन प्लस लॉग एक्स इक्वेशन वन आगे भी बराबर दिले है भी बराबर दिले है एक्स के पावर ओवर न बटा है इसमें भी लिखना टेकिंग लॉग बोथ साइड तो लॉग भी बराबर हो जाएगा लॉग एक्स के पावर ओवर न बटा तो लॉग भी बराबर होगा लॉग एक्स के पावर ए मनो एक लॉग एम के पावर ए तो होता है एन लॉग एम होता है तो एम के स्थान पे क्या एक्स होगा अब जो फंक्शन आया इसको डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड तो लॉग भी का डीसी क्या हो वन बटा भी और भी का डीसी डीवी बटा डी वन बटा एक्स इंटू लॉग यू इंटू भी से तो पहला छोड़ो दूसरा का डीसी
प्लस दूसरा लिखो पहला का जैसे माइनस वन बटा एक्स। ये भैया बोलो में जान लो बराबर भिन्न टू ओवन बटा एक्स स्क्वायर माइनस ओवन बटा एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। इक्वेशन क्या दो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन ओवन और टू से फ्रॉम इक्वेशन ओवन जो इक्वेशन टू समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ने पर तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी यू बटा डी एक्स प्लस डी वी बटा डी एक्स। तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी यू बटा डी एक्स। डी यू बटा डी एक्स का वैल्यू यू इन टू ओवन प्लस लॉग प्लस डी वी बटा डी एक्स। तो भी का इंटीग्रेशन भी इन टू ओवन बटा एक्स स्क्वायर माइनस ओवन बटा इंटू लॉग एक्स। तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर यू का वैल्यू एक्स के पावर एक्स इन टू ओवन प्लस लॉग एक्स प्लस भी का वैल्यू हो गया क्या एक्स के पावर ओवन बटा एक्स। ओवन बटा एक्स स्क्वायर माइनस ओवन बटा एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर इतना क्लियर। चलो इतना काम करने तो बोर्ड में पांच नंबर मिलते लेकिन हमारा ही दो ये नंबर देते हैं। हो गया जे हाँ मिटा दे। चलो तो जितना भी ट्वेल्थ का भी एग्जाम नहीं पढ़ने से पहले टोटल हिसाब रटा देंगे। चलिए और क्वेश्चन क्या था जैसे दिखाइए ना तो क्वेश्चन लिखे थे ना आप लोग क्वेश्चन लिखे है ना जी। बोला था प्रूव दैट ओवन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओवन ओमेगा स्क्वायर ओवन ओमेगा बराबर जीरो लाना है। इसमें तीनों कॉलम को आपस में जोड़ दीजिए कुछ रिजल्ट आ जाएगा। यदि 11 क्लास में पढ़ा होगा ने जोर ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता जीरो होता है। तो यहाँ से हो रहा सॉल्यूशन में तीनों टैड कर लीजिए भाई ओवन जोर ओमेगा स्क्वायर ओवन जोर ओमेगा स्क्वायर ओवन जोर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओवन ओमेगा स्क्वायर ओवन और ओमेगा ओवन जोर ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या जीरो 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 कॉमन लीजिएगा ना सर यहाँ से एक एक कॉमन लीजिएगा ओमेगा स्क्वायर ओवन और ओमेगा स्क्वायर ओवन और ओमेगा कहता है यदि किसी भी डिटरमिनेंट में कोई एक जीरो अथवा कोई एक कॉलम के सारा एलिमेंट अगर जीरो हो तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है जीरो होता है। ये प्रूफ होता है क्लियर प्रॉपर्टी है कि यदि किसी भी डिटरमिनेंट में कोई एक रो अथवा कोई एक कॉलम के सारा एलिमेंट अगर जीरो हो तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है जीरो होता है क्लियर। चलिए नहीं उतारे थे
चलिए अरे क्वेश्चन दिखा दे जरा सा। रहने दीजिए हम याद आ गया कुछ क्वेश्चन। आज क्वेश्चन था डिटरमिनेंट प्रूव दैट 2, 3, 5, 7, 8, 9, 65, 75, 86 = 0। इस क्वेश्चन का कोई ऐसा नंबर ले लीजिए जिससे मल्टीप्लाई करने पर 65 भी प्राप्त हो 75 और 86 दोनों होना चाहिए। तो यहाँ से C2 मेरा 9 से मल्टीप्लाई करके C1 मेरा जोड़ते हैं तो 9 7 63 2 65 9 8 72 3 75 9 85 86। तो यहाँ से सॉल्यूशन में 2 + 9 7 63 3 + 9 8 72 5 + 9 9 81 7 8 9 65 75 86। अब जोड़ लीजिए जी 65 75 86 7 8 9 65 75 86 C1 = C3 मिला के 0 बोलता है। यदि किसी सारणिक में कोई दो रो अथवा कोई दो कॉलम एक समान हो, एक समान मतलब बराबर हो, उस डिटरमिनेंट का मान क्या होता है? शून्य होता है। उस डिटरमिनेंट का मान क्या होता है? शून्य होता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन दिखाइए ना। तो अच्छी बात है, तो याद नहीं आ रहा, जितना याद आ रहा उतना हम कर ले चल गए। इंटीग्रेशन साइन इन तो कॉसेट इन अवर्स एक्स इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन साइन इसको साइन में चेंज कर दीजिए, साइन इन अवर्स ओवन बटा एक्स इंटू डी एक्स। तो जिस साइन इन जैसे हम पढ़ाए होंगे कुछ आईटीएफ में फॉर्मूले साइन इन अवर्स ओ वन बटा एक्स बराबर क्या होता है? कॉसेक इन अवर्स एक्स। तो कॉसेक इन अवर्स एक्स बराबर क्या होता है? साइन इन अवर्स ओ वन बटा एक्स होगा। तो यहाँ से चेंज हो इन अवर्स है और बिना इन अवर्स कैंसिल आउट ओ वन बटा एक्स इन टू डी एक्स। और ओ वन बटा एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग मॉड एक्स प्लस। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना? पढ़िया चलिए दिखाइए आगे मिटा दें। चलिए क्वेश्चन है आगे बोल दिखाइए। बोला है डिटरमिनेंट एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब बराबर एक्स वाई जेड इन टू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। क्लियर? अब यहाँ इसको बोलते हैं फर्स्ट रो, इसको सेकेंड रो, इसको थर्ड रो। फर्स्ट रो के टोटल एलिमेंट से अगर एक्स कॉमन लिया जाए, सेकेंड रो के टोटल एलिमेंट से अगर वाई कॉमन और थर्ड से जेड, तो कुछ रिजल्ट बने रहा होगा एक्स एक्स स्क्वायर ओवन वाई वाई स्क्वायर ओवन जेड और जेड स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ से एक्स वाई जेड यहाँ के बाद एक प्रॉपर्टी दी होने, यदि किसी भी डिटरमिनेंट में ओवन 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 कॉलम में नजर आए तो रो की अप्लाई किया जाता है आर वन टेंस टू आर टू और आर टू टेंस टू आर टू माइनस आर टू।
इसका मतलब कि पहला रो में से दूसरा रो घटा के पहला रो के स्थान पर लिखिए, दूसरा में से तीसरा घटा के दूसरा रो के स्थान पर लिख दीजिए। तो यहाँ हो रहा हो वन माइनस वन हो वन माइनस वन हो वन एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर यहाँ से एक्स वाई जेड जीरो जीरो वन यहाँ से एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर। अब यहाँ से बोले होंगे विद्यार्थी जी कि उस रो या उस कॉलम से तो जहां से जीरो सबसे पहले नजर आवे यहाँ से तो वन के सामने सामने छापेंगे तो एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड तो एक्स वाई जेड और यहाँ से एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए माइनस बी और ए प्लस बी क्लियर वाई माइनस जेड और वाई प्लस जेड। अब यहाँ से बताइए रहा एक्स इंटू वाई इंटू जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड यहाँ से ओवन ओवन एक्स जोड़ वाई और वाई जोड़ जेड तिरछा तिरछी का डिटरमिनेंट तोड़ लीजिए तो एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस यहाँ से मल्टीप्लाई तो वाई प्लस जेड माइनस एक्स जोड़ वाई तो एक स्टेप और एक्स इंटू वाई इंटू जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड वाई जोड़ जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस वाई प्लस वाई कैसे एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स आई क्या हो गया प्रूफ हो गया कम्प्लीट हो गया। और ये सब क्वेश्चन जब भी पूछ रहा तो पांच नंबर में ही पूछ रहा दो नंबर में नहीं मेरा जितना भी एग्जाम दे रहे ना उसमें दो ही नंबर डेली आप लोग का टेस्ट हो रहा है सॉल्यूशन मुझे यूट्यूब पर अपलोड हो जा रहा है ना। कहे सर आप दो नंबर कह दीजिएगा हमें दो ही नंबर पूछते हैं हाँ तो यहाँ वीडियो बन रहा है जरा सा चलिए जल्दी नोट करिए और आदेश दीजिए आगे चलते हैं आगे नहीं देंगे आदेश केमिस्ट्री कहाँ जाता फल ना जाता चीज ना जाता सब नाम ना लो नहीं यहाँ नहीं बोलना चाहिए सर क्या बोल रहा भाई तभी बेटा था चल बोल दे भाई अबे राम चल चेक कर रहा वही तो बोलते हैं सर इसको सुन चाहिए चलिए हम मिटा दें नहीं नहीं मिटा दें मैं बोल एक पट में कर दूँ दूसरे पट में नहीं दूँ जल्दी लौटना दल बात फिर करें मेरा कहा है ऐसे की जरूरत है आज एक प्रश्न था एक ऑब्जेक्टिव में आया था
फिर साइन ओवर सेक्स का फॉर्मूला क्या होता है डॉट डॉट का? तो साइन ओवर फिर एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब होता है। आगे क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव में कि कॉस इनवर्स ओवन माइनस एक्स स्क्वायर बटा ओवन प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है? तो ये टू टाइन इनवर्स एक्स होता है। क्लियर? आगे ऑब्जेक्टिव था इंटीग्रेशन डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स प्लस सी होता है। आगे ऑब्जेक्टिव आया था कि cos inverse 2x प्लस sin inverse 2x बराबर क्या होता है? pi by 2 होता है, क्योंकि दोनों का एंगल क्या सेम है। क्लियर? चलिए तो बोर्ड में भी पूछा है इस टाइप। आगे क्वेश्चन था टू क्रॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्रॉस में टू एक्स स्क्वायर माइनस ओवन होता है। आगे था ऑब्जेक्टिव था इंटीग्रेशन ओवन बटा एक्स इंटू डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग एक्स प्लस सी होता है। और ऑब्जेक्टिव क्या था जी? ऑब्जेक्टिव दिखाओ। एक क्वेश्चन बचा हुआ है चलिए। ऑब्जेक्टिव था विद्यार्थी जी है ना, टोटल ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो गया। अब लॉन्ग टाइप में कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं। आज एक क्वेश्चन था y बराबर x के पावर डॉट को इनफिनाइट। इजी रूल है तो प्रूव दैट dy बटा dx बराबर y स्क्वायर बटा x इनटू 1 माइनस y log x। यही क्वेश्चन है जी। हेलो हां इतने सी करना है बताओ। y स्क्वायर बटा x इनटू 1 माइनस y log x। y log x है ना, मतलब ये सब YouTube पर इतना बार बताया जितना YouTube वाला कोई नहीं बताया होगा। y बराबर x के पावर बार बार रिपीट हो रहा पूरा फंक्शन को y माने टेकिंग लॉट बोथ साइड तो लॉग वाई बराबर होता लॉग एक्स के पावर वाई। तो लॉग वाई बराबर होता वाई लॉग एक्स। अब डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो लॉग वाई मतलब लॉग एक्स का डीसी ओवन बटा एक्स, तो लॉग वाई का डीसी ओवन बटा वाई और y का डीसी dy बटा डीसी y इनटू log x u इनटू v से पहला छोड़ो दूसरा का डीसी प्लस दूसरा लिखो पहला का डीसी तो 1 बटा y इनटू dy बटा dx बराबर y बटा x प्लस log x इनटू dy बटा dx। अब dy बटा ds पर इतना तो 1 बटा y इनटू dy बटा ds प्लस ये पार्टी आपके माइनस log x इनटू dy बटा ds बराबर y बटा x।
डीवाई बटा डी एक्स कॉमन, तो 1 बटा वाई माइनस लॉग एक्स बराबर वाई बटा एक्स, तो डीवाई बटा डी एक्स एलसीएम बाय, तो 1 माइनस वाई लॉग एक्स बराबर वाई बटा एक्स, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर वाई भागा में ऊपर जाके होना था वाई स्क्वायर बटा एक्स इनटू ओवन माइनस वाई लॉग एक्स। इस हम जितने भी क्वेश्चन है सब पांच नंबर का है, लेकिन मेरे टेस्ट में दो नंबर का है। अन्याय का है, अन्याय का है, अन्याय का है। बच्चा के दुई नंबर पर ठोस करना है और मेहनत है, खुश नहीं रहेगा तब, खुश रहे ना बाबा, खुश रहे तो बच्चा ने हरा देता है। धीरज सर इतना तुम लोग को पढ़ाते हैं। हाँ मैं हारे, हम तो मैं सही नहीं हारा, के नंबर लाया थे नहीं हारा, 29 नंबर, 29 नंबर तो लाया, इसका क्या नंबर आया? हार या मतलब हम शुरू से हम एक पहले डिसिप्लिनरी बहुत ज्यादा काम पाए, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स थोड़ी पाए हैं, नहीं पढ़ाए डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, खाली फैक्टर पढ़ाए थे 3-4 क्वेश्चन बस, 3 अच्छे को पढ़ के पोस्टमोर्टम किस नंबर, बाकी तो वाला अब फिर बताए थे को साइज निकाले या उसको बेस पे सिस्टम तो क्या था उसी तो करने गए थे। चलिए मैं बताए सर, क्वेश्चन बता रहे ना, बताओ उसको लाओ क्वेश्चन डालो लो, नहीं नहीं जी सर लाओ लो, 40 नंबर जी, 40 नंबर, 40 नंबर आना है, 40 नंबर आना है, आप 12 कर दिया। हां भैया जी, बिल्कुल सर, क्वेश्चन है याद है डिटरमिनेंट 2-3-5-0-0-4-0-7-5। आज एक क्वेश्चन है जी, वाई बराबर रूट अंडर बताया हुआ है, लॉग वाला बता दिए ना जी, एक्स जोर एक्स डॉट टू इनफिनिट, ये क्वेश्चन बताना। आज एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन रूट अंडर वन माइनस साइन टू एक्स इंटू डी एक्स बताना। आज एक क्वेश्चन है टैन प्रूव दैट टैन हाफ इन टू साइन इन आवर्स टू एक्स बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ इन टू कॉस इन आवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर मिला के टू एक्स बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर (2-6-0-7-9-8)। इतना ही क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है जी? नहीं। चलिए इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर रहे हैं, बोला डिटरमिनेंट 2-3-5-0-0-4-7-0। डिटरमिनेंट में बहुत सारा रूल होता है, बोलता है ना कि जहां से सबसे पहले 00 पर नोट लेकर मोबाइल है 00 मिले वहां से सबसे पहले उस रो या उस कॉलम से तोड़ो जहां से सबसे पहले जीरो मिले, जीरो तो यहीं से मिला ना, तो दूसरे सामने सामने एलिमेंट हम लोग झाप देंगे 4-7-0-5 मिला के 2×5=20 जीरो में इतना से जीरो मिला के 40 और इस प्रश्न का राइट आंसर 40। और ये क्वेश्चन ना जाने कितने बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा भी गया, क्लियर? चलिए इस प्रॉब्लम को काम हो गया।
अच्छा जय, एक मिनट में दो हिस्सा हम बताते हैं। चलो हो गया। अच्छा हम कोई मैच पढ़ने नहीं दी लगता है ना, कोई जाने नहीं लगता है मैच में। जब ये प्रोचर y बराबर x प्लस रूट x प्लस रूट x तो इनफाइनाइट, y बराबर रूट x प्लस पूरा फंक्शन तो y s भी s तो y स्क्वायर बराबर रूट x प्लस y का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, y स्क्वायर बराबर x प्लस y डिफरेंशिएट और y स्क्वायर डीसी 2y, y स्क्वायर डीसी 2y और y का डीसी dy बटा dx, x का डीसी 1 और y का डीसी dy बटा 2y into dy बटा dx वो प्लस है पट्टी आते माइनस बराबर 1, dy बटा dx बराबर 1 बटा 2y माइनस 1 और इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1 बटा 2y माइनस 1 सही। क्लियर? तो ये क्वेश्चन हो गया आप लोग को, तो ये क्वेश्चन जरा सा मिटा लेते हैं। अब तीन क्वेश्चन है तो तीन क्वेश्चन से पहले जरा सा इसको बता देते हैं ना, बोला ए इन टू बी तो ए का वैल्यू दिले 6 9 2 3 और बी का वैल्यू भी दिले जितना 2 6 0 7 9 8 बोलता धीरे से का मैट्रिक नहीं आता पावे। देखो सीख लो तुम लोग भी है ना, बोलता ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, 6 2 9 12 और 9 7 63 पहला रो के पहला कॉलम से बोलते अब इसको मिटा दो, पहला रो के अब दूसरा कॉलम में जाते 6 6 40 और 9 9 81 81 अब इससे हो जाए इसको मिटा दो, 6 में 0 से मल्टीप्लाई 0 और 9 8 72 जो पहला रो से हो गया दूसरा रो में चलो पहला कॉलम पे से 2 2 4 7 2 6 2 9 12 9 3 यहाँ 2 में 0 से तो 0 8 3 24 अब मिलाओ 3 2 5 6 1 कितना 7 और 6 1 7 8 3 12 और ये 72 24 25 7 2 9 9 2 1 कितना 3 और ये 24 इस मैट्रिक्स का आंसर इतना। और यार चलिए इसको हम मिटा लेते हैं, मैट्रिक्स बच्चा को फंसाने लायक किस्म क्वेश्चन है, 6 महीने टीचर अब पढ़े थे ना हमारा पढ़ाई ना तथा तो खाली बात कल क्लास से ये करा कल क्लास आवाज देख नहीं है जम्मा में किन नंबर पूछा है, जितना दिन अगर मास्टर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में टाइम देता है शायद अगर कैलकुलस में टाइम दे दे तो पूरा 12th टावर रहेगा उसका, आईआईटी जैसे टोटल सब बिहार से भी आधा टीचर लतखोर भी है, लतखोर भी है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का है तेरा ना पूछा ये भी ना थोड़ा है अहम पढ़ाई वो कैलकुलस से ना तो डीसीए ये भी थोड़ा है जला नहीं हमारा याद है वो ये समय डीसी तो नहीं आता था लेकिन वो बच्चा को सिखा दिया डीसी करने के लिए इंटीग्रेशन करने के लिए याद है सही नहीं अब विश्वास करो हमारे हमारे आत्मा पर हम सोचते हैं ना तो हमको याद आता उस दिन समझा
देन मेहनत एक ऐसा चीज है जो हर चीज को चेंज किया। अब देखो टाइल है तो इस क्वेश्चन का सॉल्व है, टाइल है तो टाइल, और देखो वन वाई टू और वन वाई टू दो जमा है क्या होते नॉर्मल तो अच्छी बच लो साइन इनवर्स टू एक्स बटा वन प्लस एक्स और कॉस इनवर्स इतना बटा इतना तो टाइल हो गया हाफ। ये पूरा का वैल्यू क्या टू टाइन इनवर्स एक्स और ये पूरा का भी वैल्यू क्या टू टाइन इनवर्स एक्स। अब टाइन हाफ इन टू तो कॉमन ले लिया तो टाइन इनवर्स एक्स जोड़ टाइन इनवर्स एक्स दो से दो टाइन से। अब बताना टाइन इनवर्स एक्स जोड़ टाइन इनवर्स एक्स मिला के टू टाइन इनवर्स। अब बताना कि टू टाइन इनवर्स एक्स का टाइन में फॉर्मूला क्या होता है टाइन इनवर्स टू एक्स बटा वन माइनस एक्स। तो बताओ टाइन इन टू टाइन इनवर्स टू एक्स बटा इतना फाइनल आंसर टू एक्स बटा क्या वन माइनस एक्स स्क्वायर और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये। क्लियर। एक क्वेश्चन और बच रहा है वो लास्ट है तो सब बच जाए वो साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स माइनस। आप बता देता हूँ तो जानते इतना यूट्यूब पर पढ़ाए यहाँ से जिला के बाद बिहार से टीचर नशन जिला पर दिन का दे दिया केसेस में आंसर सब पढ़ा लगे ऑनलाइन आ कभी पूछी जन जाके टीचर वास से कहा जाना है ना ये क्वेश्चन कैसे होता सर इंटीग्रेशन। अब हम क्या चीज देते हैं सर वो डोमेस्टिक ओवन पर क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स जोर क्रॉस स्क्वायर एक्स और साइन टू एक्स का फॉर्मूला टू साइन एक्स इन टू क्रॉस एक्स। अब एरा पर है ए स्क्वायर एरा बी स्क्वायर माइनस टू ए बी बता पची इंटीग्रेशन टोटल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर cos x प्लस sin x का क्रॉस गलती सर माइनस होगा। अच्छा क्लियर साइन लिखते पहले सर ऐसे कुछ कोई बात नहीं आगे पीछे लिख सकते हैं इनटू dx इनटू स्क्वायर से रूट तो cos x इनटू dx माइनस इंटीग्रेशन sin x इनटू dx cos का इंटीग्रेशन क्या sin x माइनस sin का इंटीग्रेशन क्या माइनस cos प्लस तो sin x और ये माइनस और माइनस प्लस cos x प्लस। आपका कहने का मतलब था सर कि इसको आप ऐसे लिख लेते सर रूट अंदर sin x माइनस cos x के होल स्क्वायर यही ना भैया साइन का इंटीग्रेशन माइनस क्रॉस एक्स माइनस क्रॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस इतना पर भी सही है देखो माइनस दो जमा मिल रहा माइनस कॉमन तो cos x प्लस sin x प्लस बात करा तो दोनों बराबर है ये माइनस कॉमन ना है क्लियर तो जो आसान बुझाता वो करिए। तो आज के लिए इस वीडियो पर इतना पर ही समाप्त करते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट ऑफ लक कल भी टेस्ट रहेगा कल टेस्ट हाँ कल भी टेस्ट है।